कर उसकी तिलावत करता रहे। इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान दिल की बहार है, इल्म का सर चश्मा है, इसके अलावा दिल की नूरानियत का कोई जरिया नहीं है। दिल घबराने लगे, दिल में जंग पैदा होने लगे, इबादत में दिल ना लगे, तो कुरान मजीद की ज्यादा से ज्यादा हमें तिलावत करना चाहिए। ये दिलों को, ये कुलूब को मुनव्वर करने का एक अच्छा जरिया है। आज हमारे समाज सोसाइटी में उसे अच्छा समझा जाता है जो दौलतमंद हो, जो शोहरत वाला हो, जो इज्जत वाला हो, जो किसी बड़े ओहदे पर फायज हो, मगर अल्लाह की निगाह में ऐसा नहीं है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है, देखिए कोई और नहीं फरमा रहा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। इसीलिए ये हदीस मैं पेश करता हूँ जिसे इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फर्जंद का हक बाप पर यह है कि उसका अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे और कुरान की तालीम दे। अगली हदीस पेश करते हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, यूं तो कुरान की तिलावत सभी को करना चाहिए, मगर इमाम फरमाते अगर बा ईमान जवान कुरान की तिलावत करे तो कुरान उसके गोश्त तो खून में शामिल हो जाता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ही इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पर खाली नजर करना भी इबादत है। मगर यहां पे रुक के दो बातें कहना चाहता हूं, आप जरा सोचिए, जिस कुरान पर निगाह करना इबादत है, उसको पढ़ना, अगर पढ़ लिया है तो समझना, समझ लिए हो तो उस पर अमल करना, कितनी बड़ी इबादत, आप खुद महसूस कर सकते हैं, आप खुद इसको समझ सकते हैं। अच्छा, कुरान को कितना पढ़ा जाए, सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 20 में इसका जवाब मिलता है, जितना मुमकिन हो सके कुरान की तिलावत कीजिए। अब अगर हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो उसके यकीन बहुत से फवायद हमने बयान की, कुछ और फायदे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बेहतरीन इबादत तिलावत कुरान है। फिर फरमाते, अपने घरों को तिलावत कुरान से मुनव्वर करो। एक और हदीस है, जब इस जमीन पर कोई कुरान मजीद की तिलावत करता है तो वो घर आसमान वालों को वैसा ही चमकता हुआ दिखाई देता है जैसे जमीन वालों को आसमान पर चमकते हुए सितारे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तो यहां तक इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों का अगर हाफिजा तेज करना है, माइंड अगर शार्प चाहिए, आप कुरान की तिलावत कराइए, आंखों की रोशनी कुरान की तिलावत से बढ़ती, दिल मुनव्वर कुरान की तिलावत से होता है। यूं तो बहुत सारी हदीसें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं, लेकिन मुख्तसर से वक्त में कुछ बातों को रखना चाहता था जो मैंने रख दिया। आखिर में ये कुरान क्या है, इसकी तिलावत कितनी अहमियत की हामिल है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सरो तन में जब जुदाई कर दी गई तो कटा हुआ सर नोह के सेना पर भी कुरान की तिलावत कर रहा था। तो जब वो कटा हुआ सर नोह की सेना पर तिलावत कर सकता है तो हम जुड़े हुए सर से क्या तिलावत